जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कायदी की सरपंच रेखा नगरगढ़े और उप सरपंच संजय माहुले को पद से पृथक कर 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया। बताया जा रहा है कि यह कार्यवाही विकास यात्रा में असहयोग के चलते की गई है। हालांकि जनपद पंचायत के सीईओ जीएस डहरिया ने इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरपंच पर की गई कार्यवाही सामुदायिक चारागाह पोषण वाटिका खेत तालाब कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण मजदूरों को रोजगार नहीं मिलने के चलते की गई है। वही उप सरपंच संजय माहुले पर की गई कार्यवाही को लेकर उन्होंने कहा है कि पंचायत सचिव पर दबाव बनाकर बैठक स्थगित करने, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, बिना अनुमति अनाधिकृत रूप से रेत की रॉयल्टी एवं अन्य प्रमाण पत्र तथा शासकीय दस्तावेजों में सरपंच के उपस्थित होने के बावजूद हस्ताक्षर करने का दोषी पाए जाने के कारण की गई है। इसी के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी विहित प्राधिकारी जिला पंचायत के द्वारा सरपंच रेखा नगरगढ़े और उप सरपंच संजय माहुले को पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 48 के अधीन बनाए गए ग्राम पंचायत सरपंच एवं उप सरपंच की शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए की गई है, जिसे लेकर उन्हें तत्काल पद से पृथक कर 6 वर्ष की कालावधि के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी किया गया। बीजेटी मीडिया के लिए वाराशिवनी से मनीष हेड़ाऊ की रिपोर्ट। उसमें ये बोला गया सरपंच द्वारा, सरपंच महोदय द्वारा कि आप चाहे की ओर निकलो, यानी हमारे पास 12 पंचों का बहुमत रहने के बाद भी कि महिला सरपंच ये बोलती है कि आप चाहे की ओर निकल जाओ, यानी हम उप सरपंच रहने के बाद अगर ये सब ना करें फिर क्या करें? ये तो उप सरपंच पर हटाया जाए तो क्या कोई जरूरत नहीं। मैं ये जा रहा हूँ कि जो जो मैंने जो शिकायत करा अगर गलत निकलती है तो मैं तो ऐसे भी मेरे को मत की लालसा नहीं है। समय समय पर जो काम शासकीय करना चाहिए लोक हित में जो चुने गए हैं वो लोग, तो जैसे मनरेगा का काम अपना लेट हो रहा था, आवास के काम लेट हो रहे थे, SBM के काम में बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, वो कार्रवाई उनने समय समय पर नहीं कर पाए, उनको सूचित भी किया कई बार, बस यही मामला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपियाल ने जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नवीन योजना के तहत लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी, पाक्सो एक्ट विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशिफ अब्दुल्ला एवं चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल बसंत डाके, चीफ डिप्टी मोहम्मद नावेद एवं असिस्टेंट लीगल एंड चीफ काउंसिल दुर्गेश लिमजे, मुकेश लिल्हारे, चंद्रेश और प्रियंका शुक्ला सहित अन्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे। प्राधिकरण के सचिव आशिफ अब्दुल्ला ने बताया कि नए सिस्टम के माध्यम से गरीबों, महिलाओं एवं जेल के बंदियों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि समाज का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उन्हें भी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, इनके माध्यम से होगा, जिसमें एक चीफ होगा, 2 डिप्टी लीगल एड और 4 असिस्टेंट लीगल एड की नियुक्ति की गई है। इनकी नियुक्तियां साक्षात्कार के माध्यम से हुई है और लीगल एड डिफेंस काउंसिल का मुख्य कार्य जो आपराधिक प्रकरण हैं जिनमें अभियुक्त जेल में निरुद्ध है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति, बालक और ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है, उन सभी व्यक्तियों को मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के जितने भी काउंसिल हैं वे सभी उनकी ओर से न्यायालय में मुफ्त में पैरवी करेंगे और उनको निःशुल्क सलाह दी जाएगी। चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल बसंत ढाके ने बताया कि देश भर में और मध्य प्रदेश के 19 जिलों में विधिक सेवा का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत ऐसे व्यक्ति जो अंडर ट्रायल है या फिर क्रिमिनल केस है, उनमें असक्षम लोगों को निःशुल्क मदद पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो सारे देश में और मध्य प्रदेश में खासकर 19 जिलों में अभी ये एक विधिक सेवा का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें जो
अंडर ट्रायल हैं या जो क्रिमिनल केसेस हैं उससे संबंधित ऐसे व्यक्ति जो अपने वकील नहीं रख सकते या जो वकील रखने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए शासन के द्वारा वकील को नियुक्त करने की योजना है। और ये एक्चुअल में क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की अपने आर्टिकल है 39A, उसमें ही राज्य की व्यय पे विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उसी के तहत ये नालसा जिसको कहते हैं नेशनल लीगल एक्ट सर्विस अथॉरिटीज़ की तरफ से ये कार्यक्रम चल रहा है। शहर की देशी एवं विदेशी शराब दुकानों को हटाने के लिए मंगलवार को नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर सहित महिला पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। का संचालन हो रहा है, जैसे वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 14, 12, 17, हम सभी यहां कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं और उनसे हम ये आशा रखते हैं कि वे जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करें कि इन शराब दुकानों को यहां से स्थानांतरित करके और रहवासी क्षेत्रों से दूर भेजा जाए ताकि जनसाधारण को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे और किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी इतने हमारे लिए ऐसे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी हाल ही में उन्होंने शराब आहातों को बंद करने का निर्देश दिया है और उसी संदर्भ में महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में वे ऐसे सशक्त कदम उठा रहे हैं, तो मैं पुलिस प्रशासन से भी ऐसा निवेदन करूंगी कि वे हमारी इस मांग को स्वीकार करें और जल्द से जल्द इस क्षेत्र में कार्यवाही करें।